जदयू खत्म क्या होती, खुद खत्म हो गए तो वहाँ पे इस तरह का इरिटेशन और इस तरह के आरोप जो है वो जो लगा रहे हैं वो सिर्फ इसको कहा जा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जिसके साथ अलायंस करो उसको ही खा जाओ, उसको ही खोखला कर दो। तो बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति जो है वो भाजपा ने अपनाया था कि पहले अलायंस करेंगे और उसको खोखला करके खा जाएंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। लेकिन वो भूल गए कि बिहार जो है वो प्रजातंत्र की जननी है, ठीक है, यहाँ पे उनका वो दाल नहीं गलेगा। भाजपा को जो सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फैलाने वाली जो ये राजनीति करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति, ये उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे पूरे देश से ही, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में, आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है, जिसके बाद बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है और वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने PFI और STPI का कहना है कि PFI STPI RJD का वोटर है वो, यानी कि उनका कहना है कि वो RJD का वोट करते हैं और वैसे ही RJD के कार्यकर्ता भी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ RJD के प्रवक्ता रितु जायसवाल जी हैं। रितु जायसवाल जी, संजय जायसवाल राजद पर हमलावर है और बोल रही है कि STPI और PFI ही राजद के वोटर हैं और कार्यकर्ता भी उनका वैसे ही हैं। देखिए, हमलावर अगर कोई विपक्ष में है तो वो हमला तो करेगा ही, पर वो चीज़ें थोड़ी जेन्युइन हो, थोड़ा रियलिटी के साथ हो तो थोड़ा बेहतर लगता है सुनने में। इनकी जितनी भी बातें वो बिल्कुल बकवास और बेबुनियादी हैं। ये दंगे फसाद की राजनीति भाजपा का चरित्र रहा है, ठीक है, ये दंगे फसाद की राजनीति हमारा कभी भी नहीं रहा है। तो वो उनका चरित्र है, उसका बयान वो कैसे देते हैं वो उनकी समस्या है कि वो किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं या किस तरह का बोल रहे हैं। और वो अपने गिरेबान में झांक के देखे, आज जब सत्ता उनके हाथ से निकल गई तो तरह तरह के बयान और आरोपबाजी वो कर रहे हैं। स्वाभाविक सा है भाई, जहाँ पर उन्होंने सपना पूरा हथियाने का देख रखा था कि जदयू को ही ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर जदयू ख़त्म क्या होती, खुद ख़त्म हो गए, तो वहाँ पर इस तरह का इरिटेशन और इस तरह के आरोप जो है वो जो लगा रहे हैं वो सिर्फ इसको कहा जा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है उस पूरे बयान पर। उनका कहना है कि जब से सरकार ने शपथ ली है तो जंगल राज वापस आ गया है। बीजेपी का कहना है कि जंगल राज वापस आ गया, मैंने कि शपथ लेते ही क्राइम रेट बढ़ गया है। अच्छा, मतलब अभी तक जितने क्राइम हो रहे थे एक दिन पहले तक, ये आवाज़ अगर पहले उठा लेते कि भाई भाई क्राइम हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तब तो एक भी आवाज़ नहीं, मतलब अब तक कोई मर्डर या किसी तरह की घटना तो कभी बिहार में हुई ही नहीं है। तो मतलब इतना भी मतलब क्या कहते हैं, बौखलाहट में नहीं आना चाहिए कि हास्यास्पद हो जाए और मजाक का पात्र बन जाए, है ना। तो एक दिन में कोई राज जंगल राज और ये नहीं रहता है, अपने पूरे कार्यकाल को वो देखे कि किस तरह का क्या उनके चलते क्या बना हुआ था। अब सही ट्रैक पर गठबंधन जो हुआ है वो सही ट्रैक पर है, एक नए बिहार का निर्माण आप देखेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि नीतीश जी जान कर शामिल हुए हैं महागठबंधन में RJD में, कि वो RJD को निकल जाएंगे, मतलब कि RJD को पूरे पार्टी को ख़त्म करेंगे और अपने में शामिल कर लेंगे उनका। जैसे वो जान के अलायंस करते थे, जैसे जिस तरीके से अंग्रेज जो है वो सब्सिडरी अलायंस करते थे कि जिसके साथ अलायंस करो उसको ही खा जाओ, उसको ही खोखला कर दो। तो बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति जो है वो भाजपा ने अपनाया था कि पहले अलायंस करेंगे और उसको खोखला करके खा जाएंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे उनकी चाल चल रही थी अभी झारखंड के लिए चल रही थी, जैसे उन्होंने बिहार के लिए चल रही, तो सपने तो उन्होंने बहुत बुन रखे थे। लेकिन वो भूल गए कि बिहार जो है वो प्रजातंत्र की जननी है, ठीक है, यहाँ पर उनका वो दाल नहीं गलेगा। कि उन्होंने तो पूरा का पूरा एकदम मतलब अपने दूत तक, अपने सैनिक तक लगा दिए थे RCP सिंह जी के रूप में कि जाओ भाई अब इस अपनी सब्सिडरी अलायंस को खोखला करने का, ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो पूरी तैयारी के साथ आए तो ज़रूर थे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और खुद जो है सो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला जो है वो उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये अंग्रेजों वाली जो नीति अपनाए हैं ना, वो भूल गए कि बाद में सभी ने एक होकर अंग्रेजों को ही फेंक दिया बाहर। तो यही चीज़ होने वाला है, पूरा जितना राज्य है ना वो सब मिल जाएंगे और इन अंग्रेजों की तरह ये भाजपा को जो सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फैलाने वाली जो ये राजनीति करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति, ये उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे पूरे देश से ही, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।